मध्य प्रदेश की डेली ताज़ा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज अब सिर्फ 10,057% होम आइसोलेशन में। जी हां दोस्तों, देश के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 10,103 पर आ गई है। हर दिन प्रदेश में जितने मरीज मिल रहे हैं उससे 3 से 5 गुना स्वस्थ हो रहे। यही वजह कि सक्रिय मरीजों की आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में 10 मई को सक्रिय मरीजों की संख्या 1,11,366 तक पहुंच गई थी। रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या कम हुई तो सक्रिय मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल के अनुसार प्रदेश में फिलहाल 4,314 मरीज भर्ती है और ये निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे। इस तरह 57% मरीज होम आइसोलेशन में है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 42 मरीजों की मौत शनिवार को इस बीमारी से प्रदेश में हुई है, जबकि 1934 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को प्रदेश में 81,636 सैंपल की जांच में 735 मरीज मिले हैं। इस तरह संक्रमण दर 0.9% रही है। मध्य प्रदेश के 3 दर्जन जिलों में बारिश के असर। जी हाँ दोस्तों, वातावरण में नमी के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि केरल के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जल्द मानसून दस्तक देने वाला है। इसके लिए प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने 5 संभागों और 1 दर्जन जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन पंजाब पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात के साथ हरियाणा और उससे लगे राजस्थान पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात भी बना हुआ। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, शहडोल, सागर, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के साथ विदिशा, रायसेन, भोपाल, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, गुना और शिवपुरी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही इन संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गरजने की संभावना है। वही 30 या 40 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी असर है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 15 जून से होगी समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी, इस दिन से होगा पंजीयन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। गेहूं, चना, मसूर और सरसों के बाद अब 15 जून से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जाएगी। इसके लिए 8 जून से पंजीयन शुरू हो जाएगा। वही चने की खरीदी की अंतिम तिथि 5 जून से बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के माध्यम से दी है। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मूंग की गिरती कीमतों को देखते हुए किसान भाइयों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से हमने निर्णय लिया कि भारत सरकार के सहयोग से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर 15 जून से प्रारंभ की जाएगी। कृषक मंगलवार 8 जून से पंजीयन करा सकेंगे। इसी के साथ प्रदेश में चने की उपज की खरीदी की अंतिम तिथि 5 जून थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया, अम्बेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का किया शुभारंभ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार को दतिया पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी में 14,40,000 की लागत से अम्बेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। डॉक्टर मिश्रा ने भूमि पूजन के पूर्व भगवान गौतम बुद्ध एवं भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने हमें सत्य, अहिंसा एवं मानवता के रास्ते पर चलने का जो संदेश दिया था, उसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर उनके बताए गए संदेशों पर चले। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, मार्च में जल्द करेगा फैसला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वही जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा रद्द होने के बाद अभिभावकों और छात्रों द्वारा परीक्षा शुल्क वापस किए जाने की मांग शुरू कर दी गई है। दरअसल एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में छात्रों से बड़ी रकम वसूली जाती है। अब परीक्षा रद्द होने की स्थिति में छात्रों और अभिभावकों द्वारा मांग की जा रही है उन परीक्षा शुल्क वापस किया जाए। इसके लिए भोपाल एनएसयूआई अध्यक्ष द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छात्रों के परीक्षा शुल्क वापस किए जाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, किसानों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिवराज सरकार किसान हित में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटी जोत के किसानों को फसल बीमा की प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा करा सकती है। इससे न सिर्फ उन्हें प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा चक्र मिल जाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान फसल बीमा के दायरे में भी आ जाएंगे।
अभी छोटे जोत के किसान बीमा कम करवा पाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की थी, जिसमें ये बात सामने आई है। फसल बीमा योजना के लिए सरकार नई योजना लागू करने की तैयारी में जुटी है। जी दोस्तों, प्रदेश में प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना का लाभ 40% किसानों को मिल पाता है। योजना के इच्छुक होने की वजह से छोटी जोत के किसान बीमा नहीं कराते हैं। जब प्रकृति आपदा से फसल प्रभावित होती है तब उन्हें योजना में राहत नहीं मिल पाती और आर्थिक सहायता करने का पूरा बोझ सरकार पर आता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल 8,40,000 किसानों को खरीफ फसल 2018 के लिए 1,921 करोड़ रुपए का बीमा दिलाया गया। वहीं 6,60,000 किसानों को रबी फसल 2018-19 के लिए 1,060 करोड़ रुपए का बीमा दिलाया गया। खरीफ फसल 2019 के लिए लगभग 22 लाख किसानों को 4,686 करोड़ रुपए का बीमा दिया गया है। सरकारी नौकरी 2021 सातवीं पास के लिए 1,086 पदों पर निकली है भर्ती। जी दोस्तों, अगर आप सातवीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने सिक्योरिटी गार्ड के पदों भर्ती निकाली है। ECL ने 1,086 पदों पर आवेदन बुलाए और इच्छुक उम्मीदवार 15 जून तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जी दोस्तों, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट सादी पास होने चाहिए। इन पदों के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को केंद्र योजना के अनुसार भौतिक मानक मापदंडों को पूरा करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। भोपाल में पेट्रोल 103.23 रुपए पर पहुंचा डीजल 100 के करीब। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में पेट्रोल और डीजल के रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। शनिवार रात पेट्रोल में 28 पैसे और डीजल में 31 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल कीमत 103.23 रुपए हो गया, जबकि 1 लीटर डीजल कीमत 94.56 रुपए हो गई है। जून के पहले 6 दिन में ही पेट्रोल के रेट 3 बार बढ़ चुके हैं। जूडा की हड़ताल है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में जूडा की हड़ताल राज्य सरकार के लिए चुनौती बन गई है। GMC के बाहर 3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने सड़क पर ही आज ICU बना लिया। जूडा ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कई दिनों से गोल लगा रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। यही वजह कि रविवार को ध्यान लाने के लिए जूडा की संकेतिक स्थिति को प्रदर्शन के माध्यम से बताएगा। जी दोस्तों, इधर जानकारी है कि जूडा हड़ताल खत्म करने का फैसला भी कर सकते हैं। उन्होंने मरीजों की चिंता का हवाला देने काम पर लौटने का फैसला किया। हालांकि उनकी मांग सरकार बातचीत के लिए आमंत्रित करे तो प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर फिर से इलाज में जुट जाएंगे। जूडा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीणा ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिलने का समय मांगा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि वे सरकार से मिलकर हड़ताल को खत्म करना चाहते हैं। बता दें कि जूडा की हड़ताल के विरोध में सरकार भी अब सख्ती पर उतर रही है। कई सीनियर डॉक्टर्स ने भी जूडा की हड़ताल का समर्थन किया था तो कई मेडिकल कॉलेज द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही जूनियर डॉक्टर्स द्वारा सामूहिक इस्तीफा देने का मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पार्ट के 30 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। किसानों को जून माह के लिए एडवाइजरी जारी, खरीफ की फसल की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, खरीफ फसलों की तैयारी हेतु जून माह में किए जा सकने वाले कृषि कार्यों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह ने किसानों को समय की सलाह दी है। इस पर अमल कर कृषक खरीफ फसल की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसानों को सलाह दी गई कि उर्वरकों की उपयुक्त प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। किसान मृदा परीक्षण हेतु मानसून से पूर्व विभिन्न खेतों से मृदा नमूना लेकर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजें तथा अनुशंसा की गई खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। किसान मानसून से पूर्व खेतों में पकी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट 8-10 टन प्रति हेक्टेयर के मान से समान रूप से वितरित कर जुताई करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। होना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें।